अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तदफीन की तैयारियां जारी। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा 7 फरवरी को मलिर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। परवेज मुशर्रफ गैर मामूली फैसलों के बायस मुल्की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। आर्मी चीफ 5वें यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ अपने दौरे के अख्तिताम पर एक सिक्योरिटी थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, ये जेल भरें और शुरुआत जमान पार्क से करें। मरियम नवाज का कहना है कि ये 2 दिन की कैद में गले लग कर रोने लग गए हैं। उन्होंने फ्रंट लाइन पर खवातीन को रखा हुआ है, खुद सामने आए। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है और कोई फैसला करने वाला नहीं। एमक्यूएम का बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ 12 फरवरी को धरने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कराची का ऐवान अगले इतवार से फवारा चौक पर लगेगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Karachi mein sabiq sadr general retired Parvez Musharraf ki tadfeen ki taiyariyan jari. Parvez Musharraf ki namaz-e-janaza 7 farvari ko Malir Kent ke Polo Ground mein ada ki jayegi. Mazeed tafseelat is report mein. कराची में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तदफीन की तैयारियां जारी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा मुतारिफ कराने वाले परवेज मुशर्रफ अपने गैर मामूली फैसलों और इकदामात के बायस मुल्की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। करीबी ज़राए का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा 7 फरवरी को मलिर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। तदफीन मलिर कैंट गेट नंबर 5 के करीब आर्मी कब्रिस्तान में होगी। करीबी ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन का वक्त अभी तय नहीं हुआ। परवेज मुशर्रफ की मैयत को आज पाकिस्तान लाया जाएगा। वाज़े रहे कि साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। वो दुबई के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के अहले खाना ने उनकी तदफीन पाकिस्तान में करने का फैसला किया था। पाकिस्तान की तारीख में परवेज मुशर्रफ का किरदार अहम रहा है। 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहदे पर फाइज हुए और 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। परवेज मुशर्रफ को कारगिल ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने 9/11 हमले के बाद अलकायदा के खिलाफ अफगान जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश भी कबूल की। अप्रैल 2002 में रेफरेंडम कराकर बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। जनरल परवेज मुशर्रफ को फौज के सरबराह के अहदे से 9 साल बाद 28 नवम्बर 2007 को सुबकदोश होना पड़ा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। 5 रोज़ा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वजारत दिफा के हुक्काम से मुलाकातों के साथ 5वीं यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। 5 रोज़ा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वजारत दिफा के हुक्काम से मुलाकातों के साथ 5वीं यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ दिफाई मामलों से मुतालिक इजलासों में शिरकत और दिफाई हुक्काम और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे।
जनरल आसिम मुनीर विल्टन पार्क में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन पहुंचे हैं। ये एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जिसे यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने हुकूमतों के दरमियान बातचीत को फरोग देने के लिए बनाया है। पांचवी यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस का मौजू जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जुग्राफियाई सियासत और दीगर चैलेंजेस की वापसी है। माजी में विल्टन पार्क ने कई अहम कॉन्फ्रेंसेस की मेजबानी की जो जनूबी एशिया में तरक्की और सलामती, दहशतगर्दी और साबिक फाटा में हुकूमती ढांचे के साथ साथ पाकिस्तान में पॉलिसियों को लागू करने के मौजूद पर थी। ये कॉन्फ्रेंस एक महदूद प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ बरतानिया और पाकिस्तानी हुकाम के एक मुंतखब ग्रुप के साथ साथ कुछ माहरीन तालीम को मदु किया गया है। ज़राए के मुताबिक जनरल मुनीर अपने दौरे के अख्तिताम पर एक सिक्योरिटी थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का ये पहला दौरा बरतानिया है जिसकी दावत बरतानवी वजारत दिफा ने दी है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं ये जेलें भरें और शुरुआत जमान पार्क से करें। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं ये जेल भरें और शुरुआत जमान पार्क से करें। उनका कहना था कि केपी के सानहे के बाद शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमत से सवाल पूछे तो गुस्सा हो गए, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं कराया गया, खतरनाक दहशतगर्दों को उन्होंने छोड़ा तो ये सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नजरें बिछाए बैठे हैं, आए जेल भरें और शुरुआत जमान पार्क से करें। उन्होंने फ्रंट लाइन पर खवातीन को रखा हुआ है, खुद सामने आए। एक इंतकाम होता है और एक अपने जराइम का हिसाब देना होता है, जिसने जराइम किए उसे हिसाब तो देना पड़ेगा। उनका मुश्किल वक्त अभी नहीं आया, अभी तो इंसाफ होना है। उन्हें अभी किसी ने उंगली नहीं लगाई, ये दो दिन की कैद में गले लगकर रोने लग गए हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ ने तारीख में पहली बार आईएमएफ प्रोग्राम को खुदा हाफिज कह दिया था। गुज़िश्ता हुकूमत ने दोबारा आईएमएफ के पास चली गई, ऐसा लगता था कि पाकिस्तान हुकूमत नहीं आईएमएफ चला रहा है। अब अवाम को रिलीफ देना चाहे भी तो नहीं दे सकते, आने वाला वक्त बेहतर होगा। मरियम नवाज का कहना है कि मुल्क को बैरूनी कोई खतरा नहीं, मुल्क में जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा तरक्की नहीं आएगी। सारी जमातें एक सफ़े पर हैं, उनकी नाअहली इतनी शदीद थी कि तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह किया गया। मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची के हुकूक और हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए पीपल्स पार्टी को एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए 12 फरवरी को शहर में धरने की कॉल दे दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची के हुकूक और हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए पीपल्स पार्टी को एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए 12 फरवरी को शहर में धरने की कॉल दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अब घरों से बाहर निकल कर अपना हक छीन कर वापस लेना है। एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं। आपने तस्लीम किया था कि 53 यूसीस में गलती हो गई, हमने आपसे कहा था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो वो इलेक्शन तस्लीम ही नहीं होंगे। कराची का ऐवान अगले इतवार से फवारा चौक पर लगेगा, वहीं फैसला होगा कौन एमएनए और कौन मेयर होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जर्नल वर्कर्स इजलास में ऐलान किया कि 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना होगा और हम वहीं से बैठकर शहर को चला कर दिखाएंगे। एमक्यूएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि धरना भी ऐसा होगा कि सब धरा का धरा रह जाएगा। 18 मार्च को कराची वालों के पास वापस आ चुका होगा। उन्होंने कहा कि कराची के बेटे, माएँ, बहनें शहर की किस्मत का फैसला करेंगे। शहर की सारी सड़कें फवारा चौक की जानेब रवा दवा होंगी। आज से बहादराबाद का दफ्तर फवारा चौक पर होगा, वहीं से तंजीम का निज़ाम चलेगा। ये शहर हमारा है, जहां से चाहेंगे वहीं से चलेगा। ये धरना ऐसा होगा कि सब धरा का धरा रह जाएगा। 16 मार्च को इलेक्शन और 18 मार्च को कराची वापस कराची वालों के पास होगा। एमक्यूएम कन्वीनियर ने कहा कि पहले भी कहा था ये 14 सीटें तुम्हें वापस देनी होंगी और तुम्हारा बाप भी देगा। 16 मार्च को अपनी छीनी हुई कौमी असम्बली की नशस्तें वापस लेंगे और बाकी आम इंतखाबात से पहले पहले लेंगे। एक इलेक्शन वापस ले लिया, अब दूसरा भी लेना है। जिस इलेक्शन से दस्तबरदार हुए थे उसके लिए अब दस्तो गिरेबा होना होगा, अब बाहर निकलना होगा। साजिशी चेहरों को बेनकाब कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के जर्नल वर्कर्स इजलास में सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों के दौरान शहर को एक कतरा पानी नहीं दिया, बल्कि उल्टा हमारा हिस्से का पानी अरबों रुपए में फरोख्त किया। इस चोरी में अरकीन असेंबली और सरकारी अफसरान मुलविस हैं। उन्होंने कारकुनान को मुखातिब करके पूछा, क्या धरने के लिए तैयार हो, क्योंकि यह गैर मुअय्यन मुद्दत का भी हो सकता है।
शहर के हुकूक के लिए कितने दिन बैठना पड़े इसको मालूम नहीं, जिस पर पंडाल में मौजूद कारकुनान ने जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा के नारे लगाए। मुस्तफा कमाल ने कहा कि कारकुनान सोच लें, हर ऑप्शन नहीं, हमें धरना जीतने के लिए देना है। हर कारकुन 10-10 बंदे धरने में लेकर आएगा, कोई गोली नहीं चलेगी, लाश नहीं गिरेगी, ना ही बस चलेगी। हमने अमन से अपनी बात करनी है, धरना कब तक चलेगा नहीं पता, बस तैयारी करो, 24-24 घंटे बैठना है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।